डांस विद हीरो नंबर वन. आई थिंक ऑल ऑफ यू गाइस आर जस्ट हीरो नंबर वन. आप जब भी स्क्रीन पे आते हैं आपकी मूवी बॉक्स ऑफिस छप्पड़ मार के बैक अप राइट. क्या मैं आपको कैन वी कॉल यू द हीरो नंबर वन ऑफ द बॉक्स ऑफिस? देखिए हम हीरो हैं या जीरो हैं ना, ये ताकत सिर्फ ऑडियंस के पास है. तो आप जो चाहे हमें बुला सकते हैं, दैट यू आर द किंग मेकर. तो आप जो चाहे जो टाइटल दें वो सर आंखों पर है. हम तो हर फिल्म से यही कोशिश करते हैं कि आपका प्यार मिले, बाकी जो आप टाइटल दें वो मंजूर है. I would say the same. I think audience is the king here, and हम उन्हीं पे छोड़ना चाहेंगे उनका decision कि उनको हम क्या लगते हैं, and hopefully उन्हें हम hero ही लगेंगे. तो yeah, I would say that. Mike, हाँ, please. Mike, Mike बताइए. नहीं same ही मैं भी. अगर मेरे पास पहले आते मैं कहता आदि हम fan number one. पाजी के हाथ में चाय होती है ना, मूड बहुत सही होता है. हमने पहले चाय नहीं, सच में पाजी ने सबसे पहले बात बोली थी ना कि मतलब दौर थोड़ा और चल रहा है, मतलब एक्शन मतलब फिल्में चल रही हैं और बहुत अच्छी चल रही है. तो काफ़ी टाइम बाद अगर आप लगाओ इसके जो मतलब इसकी जो पहली फिल्म थी गुड न्यूज़, वही मतलब हमें याद वही आती है कि वही एक कॉमेडी फिल्म आई थी लास्ट बॉलीवुड में हिंदी में आई थिंक सो शायद. अगर उससे बात का कुछ ऐसा याद नहीं है कि मतलब बड़ी फिल्म कोई आई हो कॉमेडी, मतलब हुए होंगे अटैम्प, मतलब यहाँ अनफॉर्चुनेटली नहीं चले होंगे, लेकिन हमें लग रहा है कि इतने टाइम बाद ये एक बैड न्यूज़ फिल्म आ रही है जिसको आप पसंद करोगे. वी होप कि अच्छी कॉमेडी आप फैमिली के साथ जा सकते हो, बच्चों के साथ जा सकते हो, बहुत अच्छी फिल्म आप देख सकते हो. जी Hi, I'm Anju from PCI. Vicky, my question is for you. So there's a scene in the trailer of Katrina Kaif's boxer. So was Katrina aware about that scene and what was her reaction after watching the trailer? She was aware of it. उन्हें ये नहीं पता था कि वो ट्रेलर में होंगी, तो मैंने ट्रेलर जब एक रात पहले देखा था, आई टोल्ड हर दैट यू आर ऑल्सो इन द ट्रेलर, एंड देन व्हेन शी सॉ द ट्रेलर शी स्पोक अबाउट एवरीथिंग बट दैट मोमेंट, बिकॉज शी लाइक हाँ ये तो ठीक है, बाकी मुझे ये अच्छा लगा वो अच्छा लगा. बट मैं उनसे वही कह रहा था कि हम दो साल से मेहनत कर रहे हैं ये पिक्चर बनाने में, आप एक जगह आती हो फोटो में पूरी तालियां आप ही बटोर के लेके जा रही हो. बट शी वॉज हैप्पी टू सी द ट्रेलर एंड शी इज एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म ऑल्सो नाउ. थैंक यू. पहली बात तो ओवरवेल्म्ड हाँ फील होता है, बट इन अ वेरी नाइस वे, क्योंकि हमने ना बहुत साल मेहनत की है ऐसा रिस्पॉन्स लेने के लिए कि हम कुछ ऐसा करें जो लोगों को इतना पसंद आए, वो रील बनाए वो वीडियोस बनाए. एंड ये प्यार मतलब हमारे लिए ऑफकोर्स बॉक्स ऑफिस वगैरह बहुत अच्छी बात है, एंड एवरीबडी इन द टीम गेट्स हैप्पी क्योंकि फिल्म पैसे कमाती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस है, किसी ने पैसे लगाए हैं वो फिल्म. पर ये जो प्यार है ना, ये जो एक्सेप्टेंस है, ये जो लोगों का आपके पास आना कहना कि यार ट्रेलर अच्छा था, गाना अच्छा था, वो स्टेप अच्छा है, ये चीज़ों के लिए मेहनत सच में अगर आप बताओ तो ये इसके लिए हम मेहनत करते हैं. तो जब ये प्यार मिलता है तो बहुत बहुत ज्यादा खुशी मिलती है. एंड ऋतिक सर, यस, ही इज द गॉड ऑफ डांसिंग इन दिस कंट्री, इनफैक्ट इन द वर्ल्ड. तो मेरे लिए तो ही इज एन इंस्पिरेशन, ही हैज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन. तो उनकी तरफ से तो एक पैट ऑन द बैक आ जाता है, तो मैं मुझे तो ऐसा ऑस्कर मिल गया. सो इट मेंट द वर्ल्ड. Hi Vicky, Sarika from Money Control. I wanted to ask you, you know, you've been doing versatile roles, like once you were shooting for Chhaava and then Bad News. So how do you switch? And Tripti, you've done Bulbul, you've done Kala. So you, it's a completely different genre for you this time. And Virk sir, so to remember the last time we and he was here for the promotions of his Punjabi film. So how do you see it as a difference in Punjabi and Hindi films? पैसे ही नहीं पूछ पैसे तो है ना, मतलब जो मोस्टली डी ओ पीज लगा लो आप, या हमारे राइटर डायरेक्टर्स भी बॉम्बे में ही हैं, चाहे पंजाब के रहते हैं वहाँ मुंबई में ही हैं, और टेक्नीशियंस हमारे मोस्टली मुंबई से ही आते हैं. बस वो बजट कहीं है जो मतलब है, तो जो हादसे वाली बात
लेकिन वो बन नहीं है मतलब 3 करोड़ लोगों के लिए, या मैक्सिमम चलो अगर पूरे इंडिया में भी पंजाबी होंगे पूरे तो 4 लगा लो या उस चीज़ के मिला के, राइट? तो एक फिल्म बननी है 140 करोड़ लोगों के लिए, सो बजट का तो रहेगा, ये सारे ऊपर ही रहेगा ये, मतलब कभी वो हाँ अगर मतलब जैसे मतलब साउथ में फिल्में बन रही हैं, या अगर हमारी हिस्ट्री पे फिल्में होंगी जैसे हमारा रंजीत सिंह और हरी सिंह नलवा, अगर वैसी फिल्में जैसे 300 टाइप की मेकिंग हुई थी वैसी फिल्में बन जाए पंजाब में, तो पंजाबी सिनेमा भी ऑब्वियसली मैम आज से 15 या 20 साल पहले फिल्म 1 या 2 करोड़ का बिजनेस करती थी और वो सुपर डुपरेट होती थी, आज फिल्म 100 करोड़ कर रही है, रिसेंट जट एंड जूलियट ने दोबारा फिर कर दिया, आज आजकल में हो जाएंगे 100 करोड़, पहले कह रही हूँ जट्टा ने किए थे, सो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और सबसे बड़ा हमें जो हौसला मिलता है ओवरसीज से बहुत ज़्यादा मिलता है, राइट? मतलब मोर देन बॉलीवुड आप बोल सकते हो, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब यही एक्टिंग तो सेम ही करनी पड़ती है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ मैं तो मैं बस पंजाबी बोलता था पंजाबी फिल्मों में और वहाँ पे हिंदी बोल रहा हूँ, तो साथ में मिक्स करके बोल देता हूँ पंजाबी और वो एक्सेप्टेबल है। पगड़ी बांधी गया तो लोगों को लगता है अगर हिंदी पंजाबी मिक्स है तो पंजाब से आया और कौन सा ही मैं जापान से आया हूँ, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और अच्छा लगता है।